द लॉ ऑफ डॉट्स, कॉन्ट्रैक्ट लाइफ के बाद जो नेक्स्ट हमारा चैप्टर नंबर 3 है कैपलन का, बट द टॉपिक ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ वाज अ ह्यूज वन था, तो हमने कंप्लीट कर लिया 6 पार्ट्स में। तो आज हमारा जो नेक्स्ट लॉ है दैट इज लॉ ऑफ टॉट। सबसे पहले तो इसमें हम ये देखेंगे कि टॉट क्या होता है और कॉन्ट्रैक्ट से कैसे डिफरेंट है। दूसरा, एक्सप्लेन द एलिमेंट्स ऑफ नेग्लिजेंस, यानी नेग्लिजेंस की वजह से जो टॉट होता है जिसको टॉट ऑफ नेग्लिजेंस कहते हैं, उसके एलिमेंट्स क्या क्या है, और उस टॉट ऑफ नेग्लिजेंस में जिसने टॉट कमिट किया होता है उसके पास क्या क्या दिफा है अपने हक में कहने के लिए, कहते हैं डिफेंसेस। और फिर रिलेट्स द बेसिक प्रिंसिपल्स टू अकाउंटेंट्स, जो अकाउंटेंट्स हैं प्रोफेशनल्स हैं उनके ऊपर ये टॉट लॉ कैसे अप्लाई होता है, क्या प्रिंसिपल है उनके लिए। और फिर नेक्स्ट बेसिक्स ऑफ पासिंग ऑफ, टॉट ऑफ पासिंग ऑफ जो है उसकी बेसिक्स थोड़ी सी हमें पढ़नी है। तो जनरली वैसे तो टॉट लॉ जो है वो बहुत ही कम्प्रिहेंसिव और डिटेल्ड किस्म का लॉ है, लेकिन हमारे इस सिलेबस में सिर्फ दो टॉट हैं और वो भी बहुत बेसिक नोयत के हैं। एक है टॉट ऑफ नेग्लिजेंस विच इज अ लिटिल बिट इन डिटेल, और दूसरा है टॉट ऑफ पासिंग ऑफ जो बहुत बिल्कुल बेसिक सिस्टम है। तो ये दोनों टॉट्स हैं जो हमने पढ़ने हैं, लेकिन उससे पहले हमें ये तो पता चले कि टॉट कहते हैं किसको। सो टॉट, देन टॉट ऑफ नेग्लिजेंस, फिर उसके डिफेंसेस, फिर उसके नेग्लिजेंस बाय प्रोफेशनल, प्रोफेशनल अगर नेग्लिजेंस करते हैं तो उनके ऊपर टॉट के क्या इम्प्लीकेशंस हैं, एंड फाइनली टॉट ऑफ पास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज टॉट, टॉट क्या है? टॉट को कहते हैं सिविल रॉन्ग। सिविल रॉन्ग से मतलब क्या है, आपने कोई कानून तोड़ा लेकिन उस कानून के नतीजे में कोई जुर्म नहीं। ये सबसे इसमें ना बड़ी मजे की बात है कि नॉर्मली हमने पहले कहा था कि जब आप कोई लॉ बनता है, स्टेट लॉ बनता है, और स्टेट लॉ आप तोड़ते हैं तो वो नॉर्मली क्राइम होता है। क्राइम का मतलब ये है कि आपने स्टेट के अगेंस्ट जाके वो कानून तोड़ा। उसमें केसेस में फिर क्या होता है कि स्टेट वर्सेस एक्सवेज, जिसको हम कहते थे रजीना वर्सेज एक्सवेज। लेकिन टॉट एक ऐसा ऐसी चीज है जिसमें आप लॉ तो तोड़ते हैं लेकिन उस लॉ से सोसाइटी को फर्क नहीं पड़ता, सोसाइटी को प्रॉब्लम नहीं होती, बल्कि वो किसी एक इंडिविजुअल के साथ आपने कर दिया। इसको कहते हैं सिविल रॉन्ग, क्योंकि सिविल केस में सिविल लॉ हमने क्या पढ़ा था, द लॉ बिटवीन इंडिविजुअल। तो एक ऐसी गड़बड़ आपने कर दी जो किसी इंडिविजुअल के साथ थी, उसको कहते हैं टॉट, यानी इट इज एक्चुअली इंफ्रिंजमेंट ऑफ अ लीगल राइट्स, किसी बंदे के कानूनी हकूक जो है, इंफ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट्स व्हिच गिव राइज टू द क्लेम ऑफ डैमेजेस। आपने किसी के हक तलफी की है किसी की, लेकिन वो हक तलफी ऐसी नहीं है जिससे सोसाइटी इफेक्ट होती है, किसी एक जाति बंदे के हैं, तो वो टॉट के अगेंस्ट, आपके अगेंस्ट टॉट का केस कर सकता है, क्योंकि आपका और उसका कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। यानी आपने किसी बंदे को नुकसान पहुंचा दिया लेकिन उस नुकसान में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था कि आपने ब्रीच करके नुकसान पहुंचाया, तो किसको हम कहते हैं टॉट। याद रखिएगा टॉट और जो क्रिमिनल लॉ है उसमें बहुत फर्क है, और फर्क यह है कि क्रिमिनल लॉ में आप वो कानून तोड़ते हैं जिससे पूरी सोसाइटी के डीरेगुलेट होने का खतरा है, दैट द क्राइम। जबकि टॉट में आप किसी बंदे के वो कानूनी हकूक गसब कर लेते हैं जिससे सिर्फ जाती उस बंदे का लॉस होता है, तो दैट इज कॉल्ड अ सिविल लॉ। टॉट इज अ ब्रीच ऑफ अ लीगल ड्यूटी, मतलब आपकी कोई कानूनी तौर पे ड्यूटी थी जो आपने ब्रीच की, तो लिहाजा लाइबिलिटी कोई नहीं बनती आपके ऊपर अंटिल के लॉ रिकग्नाइज करे कि ड्यूटी थी। सबसे पहली ये बात यह है कि क्या मेरी कोई ड्यूटी भी थी जो मैंने ब्रीच की? अगर लॉ कहता हाँ आपकी यहाँ ड्यूटी बनती थी, फिर इसका मतलब है कि मैंने वो ड्यूटी ब्रीच की है और अब मेरे ऊपर टॉट का केस होगा। इसमें आगे जाके डिटेल में हम देखेंगे कि जो स्टैब्लिश करना होता है टॉट लॉ, उसके ये कंपोनेंट्स हैं जिसमें सबसे पहले यही स्टैब्लिश किया जाता है कि यार क्या कोई ड्यूटी एग्जिस्ट भी करती थी। डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट्स एंड टॉट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स में सिंपल बात है कि कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप होता है, जबकि टॉट में कोई जरूरी नहीं है कि आपका कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल इन अ क्लेम फॉर पर्सनल इंजरी एज अ रिजल्ट ऑफ अ रोड एक्सीडेंट, ठीक है ना, एक आप सड़क पर जा रहे हैं तो आपकी लीगल ड्यूटी है कि आपने पैदल चलने वाले जो सड़क क्रॉस करते हैं उनका ख्याल रखें, दिस इज योर लीगल ड्यूटी। लेकिन अगर आप ख्याल ना रखें, ध्यान कहीं और हो और आपका एक्सीडेंट हो जाए, तो जिस बंदे को आपने नुकसान दिया, इंजर्ड किया, एक्चुअली वो आपने टॉट कमिट किया, क्यों? इसका लीगल राइट था
कि वो सड़क क्रॉस करता है, आपने उसके राइट को इन्फ्रिंज किया ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे, वो सड़क क्रॉस कर रहा है, इसका मतलब ये है कि हालांकि आपका और उसका कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, तो इसके बावजूद आपने उसको नुकसान दिया, तो वो आपके अगेंस्ट टॉर्ट का केस कर सकता है। हाउएवर अगर कॉन्ट्रैक्ट डज एग्जिस्ट तो क्लेमेंट के पास दो ऑप्शन है, यानी अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट है किसी के साथ तो फिर आपके पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन क्या होते हैं रेमडी लेने के लिए? याद रखिएगा अगर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है तो फिर आपके पास कोर्ट रेमेडीज कौन सी देती है, कौन सा डैमेज देती है, कि अगर कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया होता तो आपको कितने बेनिफिट होते, इसको हमने लॉस ऑफ बार्गेन बोला। ठीक है, कोर्ट क्या करती है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट होने की सूरत में उतना फ़ायदा दे दो कि यार कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाए तो इसको, बट ऑन द अदर हैंड टॉर्ट में जो अमाउंट है वो कोर्ट वो डिसाइड करती है कि अगर टॉर्ट ना हुआ होता तो इसका क्या, तो मतलब टॉर्ट की सूरत में जो आपका नुकसान हुआ है आपको वो आपका नुकसान वापस किया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट की सूरत में कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाए तो जो बेनिफिट है कोर्ट वो बेनिफिट अपॉन दे, ये मेजर डिफरेंस है। लिमिटेशन पीरियड केस फाइल करने की कॉन्ट्रैक्ट में 6 साल है फ्रॉम द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और टॉर्ट में 6 साल है लेकिन पर्सनल इंजरी की सूरत में 3 साल, यानी अगर आपको कोई इंजरी होती है किसी के सिविल रॉन्ग की वजह से, किसी के एक ऐसे टॉर्ट की वजह से आपको सिविल इंजरी हो जाती है, पर्सनल इंजरी हो जाती है, इन दैट केस जो लिमिटेशन पीरियड है वो 3 साल, 3 साल के बाद आप पर्सनल इंजरी का केस नहीं कर सकते, और 3 साल भी बहुत लंबा टाइम। मेन एलिमेंट्स ऑफ टॉर्ट ये हैं 3 एलिमेंट। सबसे पहले के देर मस्ट बी एन एक्ट और ओमिशन, यानी डिफेंडेंट ने साबित किए हो कि डिफेंडेंट ने कुछ किया भी हो। दूसरे नंबर पे अगर जो उसने किया है उसकी वजह से लॉस भी हुआ हो, और तीसरे नंबर पे कोर्ट ये भी इस्टेब्लिश कर ले कि कोई लीगल ड्यूटी भी थी, यानी सबसे पहले बंदे का एक्शन हुआ है उस एक्शन की वजह से लॉस हुआ है और एक्चुअली उसकी लीगल ड्यूटी थी कि वो ख्याल रखता, तीनों चीज़ें इस्टेब्लिश हो जाएँ तो टॉर्ट का केस इस्टेब्लिश होता है, फिर डैमेजेस की बात, इनमें से एक भी चीज मिसिंग हो, यानी तय हो जाए कि लीगल ड्यूटी तो है बंदे की लेकिन उसने ऐसा काम किया ही नहीं, जब किया नहीं तो टॉर्ट कैसा, तय हो जाए कि लीगल ड्यूटी है लेकिन उसने और उसने काम भी कोई ऐसा कर दिया है लेकिन उसके नतीजे में आपको लॉस ही कोई नहीं हुआ, जब लॉस नहीं हुआ तो डैमेजेस किस चीज, तीनों चीजों का होना जरूरी है। वही बात है कि क्लेम विल ओनली बी सक्सेसफुल इफ द लॉस सफर्ड इज नॉट टू रिमोट, अगेन टू रिमोट है कि लॉस जो है, जो मेरा एक्शन है जिसकी वजह से आप क्लेम कर रहे हैं कि आपको लॉस हुआ है, एक्चुअली वो उसी एक्शन की वजह से हुआ, तो इतना रिमोट ना हो कि उसको उस एक्शन से जोड़ा ही ना जा सके। ठीक है, एक्सीडेंट मेरे से आप हुआ और हार्ट अटैक की वजह से डेथ होगी तो कोर्ट भी कहेगी कि बंदा तो ऑलरेडी हार्ट पेशेंट था तो डेथ केस पर इसको नहीं डाला जाना था क्योंकि इसकी डेथ एक्सीडेंट से नहीं हुई, एक्सीडेंट से तो ज़्यादा से ज़्यादा काम था, डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस की वजह से डेथ नहीं हुई है, डेथ की वजह कुछ और थी तो वो डेथ वाला केस के ऊपर नहीं जाना था। दैट इज गुड। तो टॉर्ट में जो सबसे पहला टॉर्ट हमने पढ़ना है दैट इज नेगलिजेंस, टॉर्ट ऑफ नेगलिजेंस। नेगलिजेंस कहते हैं कि ब्रीच ऑफ लीगल ड्यूटी टू टेक केयर व्हिच रिजल्ट्स इन डेथ, आपने ख्याल रखना था, टेक केयर करनी थी लेकिन आपने जितनी केयर का मुजाहरा करना था उतनी केयर का मुजाहरा नहीं किया, तो लीगल ड्यूटी आपने ब्रीच कर दी, दैट इज कॉल्ड। टॉर्ट ऑफ नेगलिजेंट को सक्सेसफुल होने के लिए क्लेमेंट को 3 चीज़ें प्रूव करनी, सबसे पहले कि जो ब्रीच करने वाला बंदा है उसकी ड्यूटी भी थी टूवर्ड डिफेंडेंट, यानी उसकी लीगल ड्यूटी थी कि वो डिफेंडेंट का ख्याल रखता या उसके राइट्स को इन्फ्रिंज ना करता है, दूसरे नंबर पे उसने वो ड्यूटी ब्रीच भी की है, और तीसरे नंबर पे उस ब्रीच की वजह से लॉस भी हुआ है, और जो लॉस हुआ है वो उस ब्रीच की वजह से डायरेक्ट लॉस हुआ है। तो 3 चीज़, सबसे पहले जो क्लेम करने वाला बंदा है जिसको नुकसान हुआ है, मिसाल के तौर पे जो इंजर्ड हुआ रोड एक्सीडेंट में, उसने केस करना है, वो केस करने के लिए सबसे पहले तो वो प्रूफ करेगा कि मेरी लीगल ड्यूटी थी स्टॉप करना वहाँ से, यानी अगर आप ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे थे इट वॉज माई लीगल ड्यूटी टू स्टॉप देयर, दूसरे नंबर पे उसने ये भी प्रूव करना है कि मैंने वो ड्यूटी ब्रीच भी की है, यानी एक्चुअली मैंने ब्रेक नहीं लगाई और वो मैं जाकर उसको लगाऊँ, ना कि मैं अपनी जगह खड़ा था और उसने हाथ करना, सो मैंने
ड्यूटी ब्रीच भी, और तीसरे नंबर पे अगर मेरा उसके साथ गाड़ी या चीज हिट हुई है तो उससे उसका नुकसान भी हुआ है, अगर कोई नुकसान नहीं हुआ तो भी कोई डैमेज। तो तीनों चीजों का प्रेजेंट होना जरूरी है किसी भी टॉर्ट के केस को सक्सेसफुल होने के लिए। नंबर वन, ड्यूटी ऑफ केयर एग्जिस्ट करती हो, नंबर टू वो ड्यूटी ब्रीच हुई हो, और नंबर थ्री उसकी वजह से लॉस हुआ हो और वो लॉस उसकी वजह से ही हुआ, यानी लॉस तो हुआ है लेकिन अगर वो किसी और वजह से हो गया तो भी वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल, ड्यूटी ऑफ केयर कैसे तय होगा कि ड्यूटी ऑफ केयर किसी की किसी के साथ एग्जिस्ट करती है कि? उसके लिए ये एक नेबरिंग प्रिंसिपल कोर्ट ने एस्टेब्लिश किया था, डोनग वर्सेस स्टीवेंसन का केस था। नेबरिंग, नेबर कहते हैं ना हमसाया, तो हमसाया कौन कौन हो सकता है? जो जो हमारा हमसाया है ना उसकी तरफ हमारी ड्यूटी ऑफ केयर एग्जिस्ट करती है उसका हमने ख्याल रखना है। अब लॉ की नज़र में हमसाया कौन होगा? हर वो बंदा मेरे किसी एक्शन की वजह से जो मेरे जहन में आ सके, या किस एक्शन की वजह से फलां फलां को लॉस हो सकता है और मेरे जहन में आना चाहिए, कि अगर नहीं आता तो मेरे जहन का फॉल्ट है। लेकिन अगर एक कॉमन सेंस रखने वाला बंदा सोचे कि मेरे किसी एक्शन की वजह से किस किस को लॉस हो सकता है, तो जिस जिस को लॉस हो सकता है वो सब मेरे नेबर से, दैट इज कॉल्ड द नेबरिंग प्रिंसिपल। ठीक है, ये जिस तरह से डोनग वर्सेस स्टीवेंसन का केस था, यानी पहले इस केस से पहले क्या था, द बिलीफ वॉज दैट अलो एन एक्शन टू बी टेकन वेयर देयर वाज नो कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप, यानी जहाँ पे कोई कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप नहीं था वहाँ पे किसी एक्शन को सक्सेसफुल होने के लिए वुड अंडरमाइन द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। से क्या होगा कि यार ये तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ के प्रिंसिपल्स के खिलाफ है, दो बंदों के दरमियान आपस में कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, तो आप कैसे एक बंदे को डैमेजेस अवार्ड कर सकते? तो डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी जो है वो पीच होता है, क्योंकि डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ने क्या कहा था कि ओनली पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन सू एंड कैन सू। तो कैसे दो बंदे जिनका आपस में कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है कैसे एक दूसरे पे केस कर सकते हैं और कोर्ट कैसे डैमेजेस अवार्ड कर सकते हैं? लेकिन डोनग वर्सेस स्टीवेंसन में ये प्रिंसिपल कम हुआ, नया प्रिंसिपल स्टैब्लिश हुआ, दैट इज कॉल्ड नेबरिंग प्रिंसिपल। कोर्ट ने यह कहा कि हर वो बंदा जो आपका नेबर है और आपके कॉन्टेम्पलेशन में आपके माइंड में आ सकता है कि आपके किसी एक्शन की वजह से उसके कोई राइट्स इंफ्रिंज होंगे, वो आपका नेबर है। ये क्या था, 1932 का केस है, डोनग वर्सेस स्टीवेंसन। मिस्टर डोनग कैफे में गई दोस्त के साथ, दोस्त ने उसके लिए एक जिंजर बियर खरीदी, मिस्टर डोनग डोनग ने वो बियर पी ली। बाद में उसको पता चला कि यार उसमें ना कुछ स्नेल, डीकम्पोज स्नेल कीड़ा कह लें, समथिंग दैट वाज इन द बॉटम ऑफ ओपेक बॉटल, बोतल के तह में नीचे वो एक कीड़ा पड़ा हुआ। डोनग फाउंड दिस साइट सो अपसेटिंग, यानी उसका इतना दिल खराब हुआ कि उसको फिजिकल इलनेस बीमार हो गई। उसने मैन्युफैक्चरर के ऊपर केस किया, क्लेमिंग दे वर अंडर अ ड्यूटी टू सी दैट सच आउटसाइड बॉडीज डिड नॉट गेट इनटू द जिंजर बियर, तो उनकी ड्यूटी थी कि जो आउटसाइड बॉडीज हैं वो उस बियर में एंटर ना हो। अब उन्होंने ये प्ले ली, जनाब ठीक है हमसे ध्यान नहीं हुआ, एक आध बॉडी में चला गया, लेकिन डॉलर के साथ हमारा तो कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं था। जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं था तो खरीदी और कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक ये केस करो उसके जिससे इन्होंने बॉटल खरीदी है उससे केस, उस पर केस है ना, तो क्योंकि डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट तो उनका उसके साथ है जिसने इनको बॉटल सेल की। कोर्ट ने कहा नहीं वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे नेबरिंग प्रिंसिपल एस्टैब्लिश हो गया। आपको पता होना चाहिए कि हर वो बंदा जो आपकी बोतल पिएगा वो आपका नेबर, अगर उसको आपकी बोतल की वजह से, पीने की वजह से, बियर की वजह से लॉस हो जाता है तो वो आपका नेबर है। तो नेबरिंग प्रिंसिपल इतना फिर ब्रॉड चला गया कि जरूरी नहीं है कि एक बंदा जिसको आप जानते हो वही आपका नेबर हो सकता है। हर वो बंदा जो आपके लॉस की वजह से, आपके एक्शन की वजह से लॉस सफर करेगा वो आपका नेबर है। तो कोर्ट ने कहा देयर वाज अ ड्यूटी ऑन बिहाफ ऑफ द मैन्युफैक्चरर टू टेक रीजनेबल केयर इन द मैन्युफैक्चर ऑफ देयर प्रोडक्ट्स, बनाते हुए आपने एहतियात का मुजाहरा करना है। आप ये ड्यूटी कंज्यूमर को ओ करते हैं टू टेक रीजनेबल केयर टू प्रिवेंट पर्सनिंग। लॉर्ड एटकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने उसने डिफाइन किया those to whom will owe a duty of care in the neighbor principle. Neighboring principle कौन है, neighbor कौन है, तमाम लोग जिनको हम duty of care owe करते हैं। You must take reasonable steps, आपको step लेने चाहिए to avoid acts or omissions जिसकी वजह से किसी भी neighbor को injury हो सकती है या ought
रीजनेबली फोर्सी, विच यू ऑट रीजनेबली फोर्सी, इसका क्या मतलब है कि जिसका आपको पता होना चाहिए यार, नहीं पता तो आपको पता होना चाहिए। कोई बंदा ये कहना कि मुझे तो आइडिया नहीं था ये मेरा नेबर है, तुम्हें आइडिया ना होना इस बात की कोई फ्री नहीं है क्योंकि वो तुम्हारा नेबर नहीं था, तुम्हें पता होना चाहिए था तुम्हारा। तो ही डिफाइंड नेबर, नेबर की कैसे डेफिनेशन, ही पर्सन हु आर डायरेक्टली सो डायरेक्टली अफेक्टेड बाय माय एक्ट दैट आई ऑट रीजनेबली टू हैव कम इन कॉन्टैक्ट विद, ऐसे लोग जो मेरे एक्ट की वजह से अफेक्ट होते हैं डायरेक्टली और ऐसे कि मुझे उनका पता होना चाहिए, नहीं पता तो ये कोई डिफेंस नहीं। क्या मेरी जगह कोई और बंदा होता तो उसका पता होता, करके पता होना चाहिए आपको कौन कौन से बंदे, आप जब सड़क पे जा रहे हैं, आप अगर किसी के साथ एक्सीडेंट करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि एक्सीडेंट हर उन बंदे के साथ होता है जो सड़क पे आएगा, तो जो सड़क पे आएगा वो आपका नेबर तय हो जाएगा। हाँ, जो बंदा सड़क से बाहर बैठा हुआ वहाँ उसके साथ कुछ हो जाता है, आप पास से गुजरे और दरख्त गिरा उस बंदे पे तो बंदा दरख्त से जाने लगा तो आपका नेबर नहीं है, क्योंकि ये तो आपके कॉन्टेम्पलेशन में भी नहीं आ सकता। फिर इसी तरह बॉर्नहल वर्सेस यंग का केस था, इस केस में क्या हुआ था कि कोर्ट ने एस्टैब्लिश किया कि ड्यूटी ऑफ केयर कुड अप्लाई टू नर्वस शॉक प्रोवाइडेड देयर वाज सफिशिएंट प्रॉक्सिमेट, यानी किसी बंदे को एक नर्वसनेस शॉक लग गया, ठीक है, और कोर्ट कहता है कि उस बंदे को नर्वसनेस की वजह से भी ये बसंत देख के प्रॉक्सिमिटी यानी नेबरिंग आइडेंटिफाई किया कि यार ये जो नर्वस शॉक हुआ है ये मेरे एक्शन की वजह से, पहले वो बीमार नहीं था उस चीज का, दैट द शॉक वाज सफर्ड बाय समवन विद इन द रीजनेबल रेंज ऑफ हार्म, शॉक उसको लगा जो कि उसके रेंज ऑफ हार्म में था। तो केस पढ़ते हैं तो ये समझ आ जाएगा कि नर्वस शॉक क्या कैसे होता है। एक मोटरसाइकिलिस्ट था, ही वाज किल्ड इन अ रोड एक्सीडेंट फॉर विच ही वाज रिस्पॉन्सिबल, जाहिर है उसके लिए वो जिम्मेदार था, रोड एक्सीडेंट में बदनाम आती है। प्रेग्नेंट वुमन हु गॉट ऑफ अ ट्रैम नियर द सीन ऑफ द एक्सीडेंट, एक खातून थी, आमला खातून थी, उसके पास वो ट्रैम जो चलती है, बस चलती है, वहाँ से वो नीचे उतरी, एक्सीडेंट के पास जो सीन था वो एक्सीडेंट जो भी उसने देखा ना, तो वो खून ब्लड पड़ा है सड़क के ऊपर, तो उसको ना वो नर्वसनेस का झटका लगा एंड शी वेंट इनटू प्री मैच्योर लेटर, तो वो उस प्रेशर की वजह से ना तो बच्चा जो है वो प्री मैच्योर लेबर में चले, कुछ रिजल्टेड इन द लॉस ऑफ जिसकी वजह से उसके बेबी गिरी। She subsequently brought a claim in relation to nervous shock and resulting loss. जनाब क्लेम कर दिया उस मोटरसाइकिलिस्ट के हैं जिसने वो किया था, एक्सीडेंट किया था, उसने कहा था इसने एक्सीडेंट किया, इसकी वजह से ब्लड जमीन पे गिरा, उस ब्लड से मुझे नर्वस शॉक हुआ जिसकी वजह से मेरा बच्चा जाया होगा। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था ये तय करना कि क्या ये ड्यूटी ऑफ केयर इस बंदे की है कि नहीं। देखो बात हुई है कॉन्टम्पलेशन, देखो आपने एक्सीडेंट किया जिस बंदे के साथ, उसका तो आपको पता है कि वो आपका नेबर, उसको देख के किस किस की तबीयत खराब होगी, किस किस को हार्ट अटैक हो गया, किस किस के साथ क्या मसला हुआ, ये आप नहीं बता सकते, वो कैसे आपके नेबर हो सकते हैं। कोर्ट ने कहा, हाउस ऑफ लॉर्ड ने कहा कि मोटरसाइकिलिस्ट डिड नॉट ओ अ ड्यूटी ऑफ केयर टू द प्रेग्नेंट वुमन एज शी वाज नॉट डीम्ड टू बी अ फोर्सिबल विक्टिम, बताइए वो तो कहीं से भी विक्टिम थी नहीं, वो तो बाद में उतरी ट्राम से उतरी, पता भी नहीं था कि वो कामयाबी हुई, शी वॉज नॉट प्रेजेंट एट द सीन ऑफ द एक्सीडेंट, शी अराइव्ड आफ्टर द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट हुआ उसके बाद आई, सो शी हैज नो प्रॉक्सिमिटी, शी इज नॉट द नेबर, लिहाजा मोटरसाइकिलिस्ट की कोई ड्यूटी ऑफ केयर उसकी तरफ नहीं बनती, नहीं बनती तो फिर वो लॉ भी एस्टैब्लिश नहीं होती। व्हाइट वर्सेस चीफ कॉन्स्टेबल ऑफ साउथ यॉर्कशायर पुलिस, इस व्हाइट ने वो यॉर्क साउथ यॉर्कशायर पुलिस के चीफ पे केस कर दिया। क्लेमेंट जो था वाइट वर्क पुलिस कांस्टेबल, वो पुलिस का कांस्टेबल ऑन ड्यूटी था, तो वाइट वाज अ कांस्टेबल जिसने पुलिस चीफ पे केस कर ऑन ड्यूटी फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर ड्यूरिंग अ फुटबॉल मैच इन अप्रैल 1989 इन हिल्सबोरो स्टेडियम में, वो पुलिस तैनात थी, क्लेमेंट जो कांस्टेबल थे वहां पे तैनात था, एक फुटबॉल मैच हो रहा था, ओवरक्राउड हुआ जिसकी वजह से स्टैम्पेड हुआ, यानी वो जो सीढ़ियाँ होती हैं वो गिर गई, 95 पीपल डाइड, 95 लोग उसमें डेथ होगी, हंड्रेड ऑफ अदर सस्टेन्ड इंजरीज, बहुत सारे लोग जो हैं उनको पुलिस मैन ऑन ड्यूटी था इंक्लूडिंग द क्लेमेंट, इसमें वाइट भी शामिल था,
had to tend the victims for whom many of them suffered post-traumatic stress disorder. उसको उन victims को भी देखना पड़ा जिनको जो गिरे नहीं थे लेकिन गिर के उनको देखने की वजह से उनको trauma, distress disorder हो गया. Four of them were on duty at the state. तो चार बंदे उनमें जो थे जिनको ये stress disorder हुआ वो on duty थे और पांचवा was responsible for stripping bodies and completing casualties form at a hospital. पांचवा वहां नहीं था लेकिन वो क्या था वो बॉडीज को स्ट्रिप ऑफ करके हॉस्पिटल में था और वहां पे फॉर्म कर रिजल्टेंटली दे क्लेम कंपनसेशन फॉर देयर साइकियाट्रिक इंजरी ऑन द पुलिस डिपार्टमेंट. उन्होंने कहा था कि उनको ये साइकियाट्रिक स्ट्रेस डिसऑर्डर ट्रॉमा हुआ है इसकी वजह से पुलिस डिपार्टमेंट का काम है कि ये हमें इसको पैसे दे उसकी वजह यह है या हमें इसका मुआवजा दे उसकी वजह यह है कि हम वी वर ऑन ड्यूटी और वहां पे ये हैपनिंग हुई और उसकी वजह से हमारे साथ स्ट्रेस. कोर्ट ऑफ अपील ने एक डिसीजन दिया जिसको हाउस ऑफ लॉर्ड ने ओवर रूल किया. यानी इसका मतलब कोर्ट ऑफ अपील ने उनका क्लेम अवॉर्ड कर दिया था कि हाँ यार ये तो प्रॉक्सिमिटी बनती है इनको पुलिस ने वहां पे डिप्लॉय किया तो जिससे इनको पता होना चाहिए था कि यार ये गड़बड़ हुई है तो ये बंदे जो है प्रॉब्लमेटिक है इनको ये स्ट्रेस डिसऑर्डर हुआ है उसकी वजह से हुआ. कोर्ट ऑफ अपील ने तो डैमेज दे दिया लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड ने उस कोर्ट ऑफ अपील के डिसीजन को ओवर रूल किया और क्लेम रिजेक्ट कर दिया. एस्टैब्लिश ये किया था कि क्लेमेंट जो थे वो सेकेंडरी विक्टिम प्राइमरी विक्टिम नहीं थे. सेकेंडरी विक्टिम कौन है whose personal safety is not threatened. यानी किसी भी एक्शन की वजह से आपकी जाती उस बंदे की जाती सेफ्टी threatened नहीं होती but who suffers psychiatric injury as a result of either fear for the safety of the other or trauma of witnessing harrowing event. असल में होता यह है कि आपका वो इवेंट देखने की वजह से साइकियाट्रिक ट्रॉमा स्ट्रेस डिसऑर्डर आपका हाजिर है तो यू आर नॉट द डायरेक्ट विक्टिम्स यू आर द सेकेंडरी विक्टिम्स. यानी आपको डायरेक्ट तो आपको लॉस नहीं हुआ आपको लॉस देख के लॉस हुआ यू आर द सेकेंडरी विक्टिम. इन ऑर्डर टू सक्सीड इन देयर क्लेम अ सेकेंडरी विक्टिम सेकेंडरी विक्टिम का क्लेम कब सक्सेसफुल हो जाएगा जब उसको टीम रिक्वायरमेंट होती है. तो सेकेंडरी विक्टिम की कब क्लेम सक्सेसफुल हो सकते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड ने ये लॉ भी स्टैब्लिश किया. नंबर वन दे मस्ट हैव अ क्लोज टाइज फॉर लव एंड अफेक्शन विद द पर्सन हु सफर्स. उनमें से क्या कोई ऐसा बंदा था जो आपका बड़ा महबूब था आपका रिश्तेदार था उसके साथ आपकी क्लोज टाइज थी और उसकी डेथ की वजह से आपने कहा. पहली बात कि सेकेंडरी विक्टिम का लॉस कब सक्सेसफुल हो सकता है क्लेम का जब जिस बंदे की उसमें डेथ हुई है वो उसका अपना करीबी. दूसरा सेकंड दे मस्ट हैव बीन प्रेजेंट एट द एक्सीडेंट ऑफ द सीन इमीडिएट आफ्टर दैट. आपको वो जब वो सीन हुआ उस वक्त आपको वहां प्रेजेंट होना चाहिए या फौरन उसके बाद जो हालात सामने हों आपके वो भी आपने देखे. और तीसरा साइकियाट्रिक इंजरी मस्ट हैव बीन कॉज्ड बाय डायरेक्ट परसेप्शन ऑफ द एक्सीडेंट और इट्स इमीडिएट आफ्टरमैथ एंड नॉट अपॉन रिसीविंग इट सेकंड हैंड. और जो साइकियाट्रिक है वो देख के आपके साथ जो हुआ उसकी वजह से आपको स्ट्रेस डिसऑर्डर हुआ ना कि किसी और ने बात आपको सुनाई और उसके बाद फिर आपको. तो पहली बात सेकेंडरी विक्टिम के लिए इतना इजी नहीं होता कि वो क्लेम कर सके अपने डैमेज क्यों कि प्राइमरी विक्टिम नहीं है. प्राइमरी विक्टिम तो वो हैं जो डायरेक्टली नेग्लिजेंस की वजह से जिनके ऊपर मिसाल के तौर पर वो जो उन्होंने स्टेडियम बनाया हुआ था तो जाहिर है उनकी नेग्लिजेंस की उन्होंने स्टेडियम ठीक ही बनाया था उनके ऊपर केस हुआ. अब कौन कौन बंदे जो हैं जिन जिन इंजरीज हुई डेथ हुई वो तो क्लेम कर सकते हैं. सवाल ये है कि जिनको उन डेथ्स को देख के स्ट्रेस डिसऑर्डर हुआ वो क्लेम कर सकते थे. तो कोर्ट ने ये कहा कि वो भी क्लेम कर सकते हैं क्योंकि वो हैं सेकेंडरी विक्टिम लेकिन उसके लिए तीन शराय का पूरा होना चाहिए. नंबर वन जो डेथ्स हुई हैं उनमें उनका कोई जानने वाला प्यारा अपना बंदा हो जिसकी वजह से उनको ठीक है. नंबर टू वो उस वक्त एट द सीन प्रेजेंट हों या फौरन उसके बाद आगे हों. और नंबर थ्री उनको ये जो साइकियाट्रिक डिसऑर्डर या स्ट्रेस डिसऑर्डर हुआ है ये उस हादसे की वजह से हुआ हो ना कि किसी और ने आके कहानी सुनाई हो उस वजह से. लिहाजा जो जो ऐसे लोग उनका चूंकि वो पुलिसमैन थे कोई भी उनमें उनका रिश्तेदार नहीं था तो वो सारों का क्लेम जो है वो रिजेक्ट कर दिया. दिस इज ड्यूटी ऑफ केयर की बात है. ठीक है ड्यूटी ऑफ केयर किस किस की होती है किस किस की नहीं होती है प्राइमरी विक्टिम सेकेंडरी विक्टिम की तरफ होती है कि नहीं
सेकेंडरी विक्टिम के तीन लॉज जो हाउस ऑफ लॉर्ड ने एस्टैब्लिश कर दिए वो भी है. नेक्स्ट इज इकोनॉमिक और फाइनेंशियल लॉस के ड्यूटी तो ब्रीच हुई है लेकिन उसकी वजह से लॉस भी हुआ है. इकोनॉमिक या फाइनेंशियल लॉस की पहले बात हम कर रहे हैं, पर्सनल फिजिकल लॉस है इंजरी है उसकी बात की बात. डॉनर वर्सेस स्टीवेंसन ने ये एस्टैब्लिश हुआ कि फिजिकल डैमेज की वजह से भी जो केस है वो किया जा सकता है. हाउएवर द लॉ स्टिल डिड नॉट रिकॉग्नाइज लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ प्योर इकोनॉमिक. प्योर इकोनॉमिक लॉस की लायबिलिटी अभी तक लॉ रिकॉग्नाइज नहीं करता. प्योर इकोनॉमिक लॉस क्या है? दैट इज मॉनेटरी लॉस, पैसों में जो लॉस हुआ विच इज अनकनेक्टेड टू फिजिकल इंजरी टू अ पर्सन और डैमेज अदर प्रॉपर्टी, जिसका कोई कनेक्शन नहीं है उसके साथ लेकिन लॉस हो गया. जहाँ पे इकोनॉमिक लॉस होता है दैट इज कनेक्टेड टू फिजिकल इंजरी और डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी, देन दैट इज कॉन्सिक्वेंशियल इकोनॉमिक लॉस वर्सेस प्रॉपर्टी. यानी आप जख्मी हो गए, आपको जाहिर है डॉक्टर के पास जाना पड़ा, तो जितना पैसा आपका अपने इलाज पर लगा That is direct consequential loss. वो तो economic loss जो है वो तो हम कर सकते हैं, ठीक है. लेकिन अगर आप उसकी वजह से पूरा महीना ऑफिस नहीं गए, जिसकी वजह से आपको दो चार कॉन्ट्रैक्ट लूज कर गए, प्रॉफिट आपका कंपनी का लॉस हो गया, सवाल यह है कि क्या वो लॉस भी आपको दिया जाएगा? दैट इज कॉल्ड द प्योर इकोनॉमिक, वो नहीं मिलता. स्पार्टन स्टील एंड अलॉय लिमिटेड वर्सेज मार्टिन एंड को कॉन्ट्रैक्टर लिमिटेड 1973 केस था. स्पार्टन स्टील एंड अलॉय लिमिटेड जो थे वो स्टेनलेस स्टील की फैक्ट्री थी जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी ली बाय अ डायरेक्ट केबल फ्रॉम द पावर स्टेशन से डायरेक्ट तार बिछे. मार्टिन एंड को लिमिटेड वर डूइंग वर्क ऑन द ग्राउंड विद एन एक्सकेवेटर. वो क्या कर रहे थे कि वो ना मार्टिन एंड को कोई अपना काम कर रहे थे जमीन की खुदाई का. खुदाई के दौरान गलती से उन्होंने वो केबल डैमेज कर दी जिसकी वजह से फैक्ट्री से बिजली चली गई, 15 घंटे तक बिजली नहीं आई. And has caused physical damage to factories, furnaces and metals. काफ़ी सारी चीज़ें जो तैयार हो रही थी, तैयारी के प्रोसेस में थी, तो ज़ाया हो गई क्योंकि वो एक सर्टन टाइम पीरियड के बाद वो मेटल और फर्नेस वो ठंडी हो जाती, मोल्ड हो सकती थी, उसको सारा प्रोसेस दोबारा करना पड़ता, तो सारा उनका लॉस हो गया, प्रॉफिट भी लॉस हो गया, 15 घंटे बंद, मेटल डैमेज हुआ एंड लॉस्ट ऑफ प्रॉफिट ऑन द मेटल दैट वॉज नॉट मेल्टेड ड्यूरिंग द टाइम द इलेक्ट्रिसिटी. और वो मेटल जो कि बिजली बंद रही, मेल्ट नहीं हो सका, उसकी वजह से प्रॉफिट कम हो गया. स्पार्टन स्टील क्लेम्ड ऑल ऑफ 3 हेड्स ऑफ डैमेज. कौन कौन से तीनों हेड डैमेज किए ये देखें. सबसे पहले फिजिकल डैमेज टू फर्नेसेस एंड मेटल, दूसरा लॉस्ट प्रॉफिट ड्यू टू दीज डैमेज मेटल, और तीसरा जो मेल्ट नहीं हुआ अभी तक उसकी वजह से जो प्रॉफिट लॉस हुआ, तीनों उन्होंने क्लेम किए. Court of appeal held in Kaji Spartan Steel could only recover damages of their furnaces. वो जो सिर्फ आपका वो चीज जिसका नुकसान हुआ है in process थे वो आप कर सकते हैं. The metal they had to discard and the profit lost on the discarded metal. Furnaces पे वो metal जो अब आपको discard करना पड़ेगा और वो profit जो discarded हो जाए metal पे आपका जाएगा, सिर्फ वो कर सकते हैं. वो metal जो अभी तक melt ही नहीं हुआ उसका loss आप claim नहीं कर सकते. फैक्ट्री ऑपरेशन में देयर मेन रीजनिंग फॉर दिस वॉज व्हाइल द डैमेज टू द मेटल वॉज फिजिकल डैमेज एंड द लॉस्ट प्रॉफिट ऑन द मेटल वॉज डायरेक्टली कॉन्सिक्वेंशियल, द प्रॉफिट लॉस ड्यू टू ब्लैकआउट कॉन्स्टिट्यूटेड फेयर इकोनॉमिक. कोर्ट ने कहा कि वो जो बिजली जाने की वजह से जो आपका काम नहीं हो सका दैट इज कॉल्ड प्योर इकोनॉमिक लॉस, और प्योर इकोनॉमिक लॉस रिकवरेबल नहीं है, कॉन्सिक्वेंशियल इकोनॉमिक लॉस रिकवरेबल है. कॉन्सिक्वेंशियल से क्रॉस क्या है? तार टूटी, उसकी वजह से क्या क्या नुकसान हुआ, उसकी वजह से वो मेटल और वो फर्नेसेस जो इन प्रोसेस थे उनसे चीज़ें बन रही थी अब वो आपको स्क्रैप करनी पड़ेंगी, वो आपका प्रॉफिट ज़ाया होगा. ओनली दैट प्रॉफिट कैन बी रिकवरेबल. वो प्रॉफिट जो अभी आपने रॉ मटेरियल डाला ही नहीं था, 15 घंटे फैक्ट्री बंद रही है, आपने कहा कि 15 घंटे बंद रही है, उसकी वजह से वो जो रॉ मटेरियल डाला ही नहीं था उसकी वजह से भी जो हमें हो सकता है वो भी कोर्ट ने कहा कि नहीं, दैट इज कॉल्ड प्योर इकोनॉमिक लॉस, वो नहीं क्लेम हो सकता. एडले वर्सेस बेल्जियम डाइल ऑलरेडी हमने करे थे. तो लिमिट्स ऑफ द ड्यूटी ऑफ केयर कहाँ तक जाती है लिमिट इसकी? चार्ट टेस्ट निकोलस एच केस में मार्क रिच एंड कंपनी वर्सेस बिशप रॉक मरीन एक केस था जिसमें एक लॉ स्टैब्लिश हुआ था दैट इज द निकोलस एच, लॉर्ड निकोलस था, उसने ये चार टेस्ट दे दिए के ड्यूटी ऑफ केयर को जब आपने चेक करना हो ना कि वो एग्जिस्ट करती है या नहीं. देयर आर फोर
द इश्यूज टू बी कंसिडर्ड आर, ये वाले हैं चार। सबसे पहले क्या जो डैमेज है रीजनेबली फोर्सिबल बाय द डिफेंडेंट एट द टाइम ऑफ एक्ट ऑफ म्यूटिनी, जब आपने वो काम किया क्या उस वक्त आप रीजनेबली फोर्स ही कर सकते थे कि यार इसकी वजह से ये डैमेज हो सकता है, ठीक है। उसके बाद इज देयर अ नेबरिंगहुड प्रिंसिपल सफिशिएंट प्रॉक्सिमिटी है, अच्छा क्या डैमेज तो आपके माइंड में आ सकता था, क्या वो बंदा भी आपके माइंड में आ सकता था कि किस किस को डैमेज हो सकता है, नेबरिंग प्रिंसिपल एस्टेब्लिश हो सकता है, क्या लॉ कोई ड्यूटी इम्पोज करता है, यानी इज इट फेयर टू रीजनेबल ड्यूटी, सो क्या आपके ऊपर एक ड्यूटी डाल दी जाए कि जनाब आपकी ये ड्यूटी है। तीसरी और तीसरा इज देयर अ मैटर ऑफ पब्लिक पॉलिसी व्हिच एग्जिस्ट और रिक्वायर दैट नो ड्यूटी अपीयर टू डैमेज, तो क्या कोई ऐसी पब्लिक पॉलिसी है कि इस सूरत में किसी की कोई ड्यूटी ऑफ केयर नहीं है, लोगों को अपना ख्याल खुद रखना है, अगर पब्लिक पॉलिसी है तो भी क्लेम सक्सेसफुल नहीं हो सकता, ड्यूटी ऑफ केयर नहीं है तो भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, प्रॉक्सिमिटी नहीं है, नेबरहुड प्रिंसिपल नहीं है तो भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, एंड फाइनली जो डैमेज है वो रीजनेबली फोर्स आप नहीं कर सकते थे तो भी क्लेम सक्सेसफुल नहीं हो सकता। ये चारों कंडीशंस का पूरा होना जरूरी है किसी भी टॉर्ट के केस में ड्यूटी ऑफ केयर की एग्जिस्टेंस है या नहीं है इसको एस्टैब्लिश करने। तो निकोलस एच केस फोकस्ड ऑन फाइनेंशियल लॉस, लेकिन ये आप फिजिकल डैमेज या इंजरी की सूरत में भी यही टेस्ट यही केसेस आप अप्लाई कर सकते हैं। अब तक हमने ये एस्टैब्लिश किया है कि क्या ड्यूटी ऑफ केयर एग्जिस्ट करती है, हमने कहा था कि जो टॉर्ट का केस है उसको एस्टैब्लिश होने के लिए तीन एलिमेंट्स हैं टॉर्ट में, ड्यूटी ऑफ केयर का एस्टैब्लिश होना, दूसरा फिर ड्यूटी का ब्रीच भी होना, और तीसरा उसकी वजह से लॉस भी होना। तो तीनों चीज़ों को बारी बारी हम पढ़ेंगे, ड्यूटी ऑफ केयर एग्जिस्ट करती है या नहीं करती ये हमने और डिस्कस कर लिया, अब इस ड्यूटी की ब्रीच हुई है या नहीं हुई वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अंटिल देन अपना ख्याल रखिएगा, कोई क्यूरी कोई क्वेश्चन हो तो यू गाइस।